ओके चलो पुट द हेडिंग बॉन्ड्स में आते एक बार. अरे बॉन्ड्स मतलब क्या बोलेंगे ना, बच्चा है एकदम पूरा मुन्ना है मुन्ना. बुकलेट फोर में ओके लेट्स कम बैक अगेन. ये चीज नहीं भूलना है कि एग्जाम बहुत नजदीक है. ठीक है ओके तो बॉन्ड्स में जो सबसे ज्यादा करते टाइम क्वेरीज आता है वो है इंडेक्स लिंक बॉन्ड. ठीक है तो एक क्वेश्चन मैं इसमें करा देता हूं, बाकी सबको मैचिंग जैसे कराए थे ना उसमें डीपी वैसे करा देंगे. ठीक है तो इंडेक्स लिंक बॉन्ड में दो जन है एक कौन है मान लो आरबीआई, मान लो एक है आरबीआई और एक है इसके बहुत सारे इन्वेस्टर्स है. पहला है प्रवीण जिसने आरबीआई का बॉन्ड्स खरीदा है इंडेक्स लिंक बॉन्ड, दूसरा है प्रवीण गर्लफ्रेंड वन टू क्या चीज एक्स ओके प्रवीण एक्स. तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो आरबीआई से बॉन्ड्स खरीदे. ओके सो मिक्स ऑन करना. अच्छा तो ये इश्यूअर है एंड ये सब इन्वेस्टर्स है, सबका परचेज डेट अलग अलग होगा, गर्लफ्रेंड वन का गर्लफ्रेंड टू का जो 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 भी मेरे से मिल रहा है उसको बोल रहे तुम ये बॉन्ड खरीद लो. तो गर्लफ्रेंड वन आज मिली उसको बोल दिए कि बॉन्ड खरीद लो, फिर दो साल बाद कोई और मिली तो दो साल बाद, तो सबका परचेज डेट अलग अलग है, इसका भी परचेज डेट अलग हुआ होगा, फिर झगड़ा होता है सेल करके निकल गई अपना. तो इश्यूअर को क्या सोचना है, एक होगा इश्यू डेट. तो इश्यूअर को यह सोचना है कि कैश फ्लोज कितना देंगे, कैश फ्लोज मतलब क्या होता है, प्रवीण को हाथ में कितना देना है, इन सबको हाथ में कितना देना है, ये इश्यूअर सोचेगा. मतलब इश्यूअर का थिंकिंग क्या चल रहा है, एमसीएफ. व्हाट इज एमसीएफ, मनी कैश फ्लो. मनी कैश फ्लो मतलब हाथ में कितना देना है. अब इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, हम इतना तारीख को खरीदे इंडेक्स इतना था मेरे पास. इन्वेस्टर इज ओनली कंसर्न विथ रियल कैश फ्लो. इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, कहीं बना तो नहीं रहा का मतलब क्या है, मान लो हम बोल रहे हैं कि आपको इन्फ्लेशन का इंडेक्स तो देंगे बट आपको, आप रह रहे हो इंडिया में, मतलब आप सह रहे हो इंडिया का इन्फ्लेशन, हम आपको बोल रहे हैं ना हम आपको किसी डेवलप्ड कंट्री फॉर एग्जांपल यूएस का इन्फ्लेशन मान लो 1% उसके हिसाब से देंगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना. हम सह कितना रहे हैं, 6% 5% इन्फ्लेशन, लाइक करेंटली इट इज 5 or 6%, लेकिन हमको दे कितना रहे 1% इन्फ्लेशन. ठीक है तो हमको क्या देखना है सर, इन्फ्लेशन इंडेक्स. इन्फ्लेशन मतलब क्या, आपका जो कूपन्स एंड कैपिटल पेमेंट्स है वो लिंक हो जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से. मान लो आज टुडे आज एक कैश फ्लो देना था जिसका बेसिक था 100 रुपया, बट बोला था आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से देंगे, तो जब वो कसम खाया था ना उस दिन का इंडेक्स था 100, लेकिन आज का तो इंडेक्स पता नहीं होगा. अगर आज तुम लोग अभी गूगल करोगे तो दिखाएगा लास्ट वाला सेंसस. अब लास्ट वाला सेंसस कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 3 महीना पहले का, 6 महीना पहले का, 8 महीना पहले का, उसको क्या बोलते हैं टाइम लैग, उसको क्या बोलते हैं टाइम लैग. तो जब आरबीआई कैश फ्लो दे रहा है उसको बाकी सब कुछ पता, लेकिन आज का नहीं पता, लास्ट नोन सेंसस जरूर पता होगा. तो जितना का भी टाइम लैग एवरेज में चलता है हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब यहां से 3 महीना 6 महीना 8 महीना पीछे जा रहे हैं तुम लोग यहां से भी 3 महीना 8 महीना 6 महीना पीछे जाएंगे. तो इश्यू डेट को छोड़ के एक डेट आता है उसको क्या बोलते हैं डीम्ड इश्यू डेट. तो डीम्ड इश्यू डेट से फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स का टाइम लैग है तो डीम्ड इश्यू डेट से 3 महीना पहले का इंडेक्स, फिर डीम्ड इश्यू डेट से. तो मनी में क्या कर रहे हैं, आगे लेके जाने का फील आ रहा है, मनी में क्या कर रहे हैं, आगे लेके जाने का फील आ रहा है. अच्छा एक जो रटने वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेस्टिनेशन बाय सोर्स. तो मनी में व्हाट रिमेन्स द सेम, सोर्स. सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, अरे सोर्स है क्या, डीम्ड इश्यू डेट. डीम्ड इश्यू डेट से डेट ऑफ पेमेंट के माइनस करेंगे क्या चीज, टाइम लैग. मान लो डेट ऑफ पेमेंट है 31 अप्रैल एंड 4 महीने का टाइम लैग है,
तो कहां वाला इंडेक्स देखेंगे? 31 दिसंबर, 4 महीना पहले वाला इंडेक्स देखेंगे। ये सब बहुत सिंपल चीज है। 3 पार्ट्स में सम डिवाइडेड है। पहले मनी कैश फ्लो, जब मनी कैश फ्लो निकालेंगे तो दिमाग में क्या रहना चाहिए? इश्यूअर, मतलब इश्यूअर क्या? इश्यू डेट। अब इन्वेस्टर को क्या मतलब है? कब इश्यू हुआ, कौन खरीदा, मेरे को क्या मतलब है, हम कब से खरीदे, तो परचेज डेट। और जब हम लोग करते हैं इस सम को, तो जब आरसीएफ करेंगे ना, आरसीएफ तो समय क्या नहीं लेंगे, टाइम लैग को नहीं लेंगे। आरसीएफ करते टाइम तो टाइम लैग लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, ठीक है। तो आरसीएफ करते टाइम क्या लेंगे, कहां से कहां भेजेंगे बताना तो एक बार, कहां से कहां भेज देंगे? डेट ऑफ पेमेंट से डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ पेमेंट से डेट ऑफ परचेज। तो डेस्टिनेशन क्या है? परचेज डेट। सोर्स क्या है, कहां से भेज रहे हैं? डेट ऑफ पेमेंट से। आरसीएफ करते हैं, दिमाग में क्या रहता है ना, अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ होता तो कितना मिलता बताइए? इन्फ्लेशन तो हो रहा है 100, 110, 120, 130, अगर इन्फ्लेशन नहीं होता तो इंडेक्स कितना होता? 100। परचेज डेट का इन्फ्लेशन मान लो 100 है, तो अगर इन्फ्लेशन नहीं होता तो इंडेक्स कितना होता? 100। तो क्या करेंगे? 100 बाय 130। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा हाथी घोड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। 100 रुपया 5 साल पहले जो चीज 100 में खरीद रहे थे, 4 साल पहले 110, 3 साल पहले 120, 2 साल पहले 130, ये तो इंडेक्स चल रहा है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा ना वर्ड्स दे सकते हो लोग, बोलेगा CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो इशू होता है, ठीक है ना, कुछ भी एक इंडेक्स दे देगा तुम लोग को, ठीक है, उसके हिसाब से बस खाली यही करना है। आरसीएफ निकालेंगे फिर पुलबैक करेंगे, यही तो है। और है क्या सब में, ठीक है, देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, टैक्स रेट, एक मिनट, टैक्स रेट, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम टैक्स किस पे लगता है? रिवाइज करा रहे हैं, कूपन पे, और जो परचेज माइनस सेल है फिर, अच्छा मैं बताओ, परचेज माइनस सेल पे लगता है ना, सेल माइनस परचेज पे? परचेज माइनस सेल का मतलब समझ आ रहा है, परचेज प्राइस बड़ा है, अगर परचेज प्राइस बड़ा है, अच्छा मैं बताओ, हम ये क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं धानु का सीआर, हाँ, तो हम ये तुमसे पूछ रहे हैं, अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है तब तो आप टैक्स दीजिएगा, और अगर आपका कैपिटल लॉस हो रहा है तो आप टैक्स ले लीजिएगा, ऐसा होता है क्या? तो क्या होता है? और अगर लॉस हो रहा है तो कुछ नहीं। अच्छा अगर ऐसे बोलते सेट ऑफ इज अलाउड, दो एसेट दिया है, दो एसेट दिया है, बोलते हैं सेट ऑफ इज अलाउड, फॉर एग्जांपल ए बी, ए में गेन हो रहा है 100 का, बी में लॉस हो रहा है 150 का, तो क्या होगा बताना? कोई टैक्स नहीं देंगे, इफ सेट ऑफ इज अलाउड, कोई टैक्स नहीं देंगे। सब कराया ना, कोई दिक्कत? अगर बोलते हैं सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, तो इस पे तो टैक्स लगेगा, लेकिन इस पे कुछ नहीं होगा, टैक्स मिलता नहीं है भाई, लॉस हुआ तो सही है, ठीक है, ओके। इसके बाद में और एक कॉन्सेप्ट क्या था? इंडेक्सेशन का। और एक कॉन्सेप्ट क्या था? इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन क्या हुआ? हम भिड़ गए, हम गवर्नमेंट से भिड़ गए, क्या बोले? बोला आप घर खरीदे थे 1 लाख रुपए में, जैसे मैं आप रियल एग्जांपल देता हूँ, मेरे मामाबाड़ी में, मेरा जो कटक में घर है, मामाबाड़ी, तो वहाँ पर उन्होंने जब प्लॉट लिया था उसका दाम था 70,000 रुपया, आज के दिन पर उस घर का वैल्यूएशन है 5 करोड़ रुपया। तो आज अगर तुम वहाँ पर घर बनाने जाएगा तो मिलेगा क्या? मिनिमम 2 करोड़ रुपये दे, 2-3 करोड़ के नीचे नहीं मिलेगा। तो हम अगर मान लो उस घर को बेचते हैं तो इतना पे थोड़ी टैक्स देंगे, हम बोलेंगे आज के हिसाब का, उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो होता है वो उसका हिसाब से निकलता है उसका वैल्यूएशन। तो वो लोग क्या करते हैं, एरियाज को डिवाइड कर लेते हैं, एंड एरियाज को डिवाइड करके इस एरिया का इतना वैल्यूएशन होना चाहिए, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल द रेट इन माई एरिया इज रफली आई गेस 6-7,000 के आसपास का होगा, 7,000 स्क्वायर फीट होगा, 7,000 पर स्क्वायर फीट। तो मान लो मेरा घर 35 स्क्वायर फीट का है, तो इंटू कर देंगे 3500 से, इस तरीके से वैल्यूएशन होता है। अब हो सकता है आप अपने घर को ज्यादा में बेचो, वो सब का बात नहीं करो, सब अपना डेप्थ नहीं, इतना अपना नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो इंडेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, बोलते हैं परचेज प्राइस को इन्फ्लेट करेंगे, एक डीम्ड परचेज रेट निकालेंगे, बट क्या एक्चुअल में परचेज प्राइस चेंज हो जाएगा? नहीं, एक्चुअल में जो लेफ्ट हैंड साइड में, इधर देखो श्रांशी मेरी तरफ, एक्चुअल में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो परचेज रेट है वो कितना रहेगा? 1 लाख ही रहेगा, वो तो 1 लाख ही रहेगा, लेकिन जब कैपिटल गेन्स टैक्स निकालेंगे तब परचेज कितना लेंगे? 1 लाख ना 2 करोड़, 2 करोड़ माने 3 करोड़ पे टैक्स देंगे। कब देंगे? सेल पे, उसको फिर टाल लेंगे, प्लस ना माइनस, माइनस टैक्स दे रहे हैं। हाउ टू गेस वेदर देर इज कैपिटल गेन और नॉट, क्या रूल था कैपिटल गेन्स टेस्ट का? रूल क्या था? आईपी इज ग्रेटर देन 1 माइनस T1 into D/R, अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा? नो गेन नो लॉस, ठीक है। तो अगर लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस। अच्छा अगर लॉस हो रहा है
और प्राइस नहीं दिया हुआ है तो प्रोविजनिंग करेंगे क्या टैक्स के लिए? नहीं, अगर गेन हो रहा है तो ही करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, फिर और थोड़ा डिस्कस करेंगे। बुकलेट 4 का, अच्छा बुकलेट 4 में फॉरवर्ड प्राइस ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? आर्बिट्रेजेस का क्वेश्चन नहीं है तुम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है एकदम। ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, मैंने ऐसे कुछ सिखाया है तुम लोगों को कुछ? क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ो। कैलकुलेट द प्राइस टू दिस इन्वेस्टर सच दैट अ रियल नेट यील्ड ऑफ 3% पर एनम कन्वर्टिबल हाफ ईयरली, मतलब क्या दे दिया है, क्या दे दिया है? बोलो ना। अरे पूरा बॉन्ड वाला चैप्टर में क्या चल रहा था? दो टाइप का क्वेश्चन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 प्राइस दे दिया है, यील्ड निकालना है। दिस इज व्हाट टाइप 2, क्या दे दिया, क्या निकालना है? यील्ड दे दिया और क्या निकालना है? और क्या दे दिया? I2 दिया है ना, I2 कितना दिया है? 3%। ओके, अगर I2 3% दिया है, रियल नेट यील्ड, रियल नेट यील्ड मतलब नेट, रियल नेट का मतलब क्या होता है? नेट पहला बात बोला है, नेट का मतलब क्या? टैक्स का कुछ चक्कर लग रहा है, और रियल का मतलब क्या है? सर MCF, RCF, RCF से फिर टालेंगे तब क्या आएगा? रियल नेट यील्ड, ठीक है? ओके, अज्यूमिंग दैट द इन्वेस्टर होल्ड्स द बॉन्ड टू मैच्योरिटी। अब आओ ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। On 1st July 2002, the government of a country issued an index-linked bond. तुम पढ़ो तो क्वेश्चन जोर से। हाँ। कितना साल का बॉन्ड है? ओके, नेक्स्ट। बैठ रहा है पूरा सम, बैठ रहा है मिलिंद सम, कैसे बैठ रहा है? रेट क्या दिया है? हाफ ईयरली, एंड देखो हाफ ईयरली कूपन, ठीक है? एडवांस में क्या, अरियर्स में है? अरियर्स में। स्टार्ट कहां से होगा? पहला कूपन कब मिलेगा? 1st July 2002 ना, 1st July 2003, I mean 1st January 2003, 1st January 2003। लेकिन आगे पढ़ो, मतलब हर आधा साल का कितना? 1%। ओके, आगे पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, उसको अंडरलाइन करो, वहां पर इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स को अंडरलाइन करो। अभी बोल दे रहे, सुन लेना, एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आ सकता है। ऐसे बोलेगा, ओनली इंटरेस्ट पेमेंट्स आर टू बी रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू 8 months बिफोर 6 months बिफोर। तो कैपिटल का कुछ मत करना, कैपिटल 100-100 ही रहेगा। इसमें क्या बोला है? कूपन एंड कैपिटल पेमेंट, गधापंथी मत करके आना। बोलने का मतलब ये है, फ्लो फ्लो में, अरे भैया सिखाए थे, भैया सिखाए थे, भैया वाला क्या बोल रहा है पहले वो तो पढ़ो। उस लाइन का मतलब क्या बोलता है? इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स आर इंडेक्स्ड रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू। अब तो ये लाइनिंग पूरा याद हो गया मेरे को, इंडेक्स आई मीन इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स आर इंडेक्स्ड विथ रेफरेंस टू वैल्यू 8 months बिफोर 6 months। जैसे इसमें कितना का टाइम लगा है? 8 months। इंडेक्स दे दिया है, मई 2003 के आगे का रिकॉर्ड जल गया, देखो नहीं दिया ना, ठीक है? आगे हाँ ठीक है, वो आगे नेक्स्ट। इन्फ्लेशन इंडेक्स इज अज्यूम टू इंक्रीज कंटिन्यूअसली, उसके बाद 2.5% कंटिन्यूअस बढ़ेगा, 2.5% कंटिन्यूअस। तो बता रहे, पूछना पूछ रहे, बताओ नवंबर 2003 का इंडेक्स कितना होगा? नवंबर 2003 का इंडेक्स कितना होगा बोलो? 113.8 इंटू, करना नहीं है मुंह से बोलना है, 1.025 टू द पावर 6 बाय 12। जुलाई का डोंट कंफ्यूज कि भैया एंड ऑफ द ईयर दिया है, स्टार्ट ऑफ द ईयर दिया है। अरे भाई अगर एंड ऑफ द ईयर दिया है तो हर का एंड दिया होगा, और अगर स्टार्ट दिया है तो हर का स्टार्ट दिया होगा, ठीक है? तो कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं है। मई जुलाई का निकालना है, मतलब जून जुलाई 2 महीना, ठीक है? आगे बढ़ो, 20% आगे पीछे चलो। 1% का मिल रहा था, 1% मान लो 100 रुपए नॉमिनल का ले करेंगे, तो 1% ऑफ 100 रुपए मतलब कितना? एक, उसमें 20% टैक्स हटा दो तो कितना नेट कितना बचा? 0.8। अच्छा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन यहां पर मान लो रियल ग्रॉस यील्ड बोलता तो टैक्स को इग्नोर करते बिकॉज ग्रॉस बोला है ना। ग्रॉस मतलब क्या? जो हाथ में आया। नेट मतलब क्या? टैक्स देने के बाद क्या है ना, ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड, नेट रिडेम्पशन यील्ड, सब क्या है? आई, ठीक है आगे बढ़ो।
ओके आगे देखो और कंफ्यूजन हो रहा है, 7 साल का बॉन्ड है, कितना साल बाद खरीदा है, 1 साल बाद, तो अभी उसको कितना कूपन मिलेगा, 12, 6 2 12, तो 12 मतलब उसको पहला कब मिलेगा? अरे मयंक कुछ पढ़ो तुम, उसको पहले कब मिलेगा? अरे आज तो खरीदा है ना, डोंट कंफ्यूजन का बात ही नहीं, आज खरीदा तो आज थोड़ी कूपन मिल जाएगा, एडवांस थोड़ी है, कैसा है अरियर? जनवरी 2004, नेक्स्ट जुलाई 2004, नेक्स्ट जैन 5, ऐसे ऐसे जाएगा, लास्ट कब मिलेगा? जुलाई 9, एंड उसी दिन को क्या होगा? उसी दिन को क्या होगा बोलो? रिडेम्पशन। अभी तो बच गए तुम लोग, अभी तो तुम लोग बच गए, क्वेश्चन कब आया था? 2008, देखो 6 गए ना, अभी कौन सा साल चल रहा है? 19। अगर इसका क्वेश्चन दे दिया ना, टैक्स वैक्स अच्छा से घुसाया तो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना। अगर इसमें कैपिटलिस्ट दे भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एक डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लो कैपिटल गेंस देता है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ, व्हाट शुड बी द प्रोसेस? ठीक है, टेस्ट लगाया, ठीक है आगे टेस्ट लगा दिया, कैपिटल गेन हो रहा, बोलो फिर से, मनी कैश फ्लो से रियल कैश फ्लो निकालेगा? नहीं, MCF निकालना पड़ेगा। MCF किसका निकालेंगे, परचेज प्राइस का ना सेल प्राइस का? MCF किसका निकालेंगे? क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में बोल रहा है कूपन्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। अरे भाई आज जो पैसा दिया, आज पैसा दिया बॉन्ड खरीदा, तो आज वालों को कभी इन्फ्लेट किया है क्या आज तक? वो तो हम दे रहे हैं, इन्फ्लेट क्या होगा जो वो मेरे को दे रहा है, तो वो मेरे को क्या दे रहा है? सेल प्रोसीड्स। हम दिए पैसा, मेरे को बॉन्ड मिल गया, अब हम उसको, हम जो उसको, हम तो उसको परचेस प्राइस दिया ना, तो परचेस प्राइस तो 100 ही रहेगा, मान लो 100 आ रहा है, 90 आ रहा है, मान लो 90 आ रहा है, मान लो 90, इसी में सारा केस, मान लो 90 आ रहा है, तो अगर 90 आ रहा है तो हम उसको दिए ना, उसको थोड़ी इन्फ्लेट करेंगे, इन्फ्लेट क्या होगा? वो जो मेरे को दे रहा है, जिसका वैल्यू 100 नॉमिनल है, जब उसका MCF निकालेंगे, उसी का तो MCF निकालते हैं ना, कूपन्स एंड कैपिटल पेमेंट्स आर इंडेक्स्ड, तो उसका MCF मेरे को निकालना पड़ेगा। उसका MCF कैसे निकालते हैं, जैसे नॉर्मल मेथड, टाइमलाइन वगैरह कैसे, माने मेरे को बेसिकली ये बताइए भैया कि मेरे को हाथ में कितना दिया, वो मेरे को हाथ में कितना दिया, ठीक है? तो अगर वो मेरे को हाथ में दिया उतना, अच्छा अच्छा एक और लॉजिक है इसमें, तो फिर तो फंस गए, क्योंकि आईपी ग्रेटर देन 1 - T1 D/R, तुम लोग गलत बोला, तुम लोग गलत क्या बोला, पहले तो टेस्ट हो ही नहीं सकता है, पहले टेस्ट क्यों नहीं हो सकता बताओ? D/R है ना, तो D तो पता है, R नहीं पता है, ठीक है? तो ये लोग क्वेश्चन घुमा के दे सकता है हल्का सा, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, फिर देख लेंगे, मान लो रिडेम्पशन प्रोसेस कितना आ रहा है, माइनस करके देन वी कैन डू इट। अच्छा इसमें और एक झमेला क्या बोलो, तो और एक झमेला आ गया इसमें, तो फिर तो जो हमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन देखे, ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता है, अभी हमको रियलाइज हो गया चीज। और एक क्वेश्चन क्या है, जब तुम लोग D/R करेगा ना, तो ये तो कूपन रेट कॉन्स्टेंट थोड़ी रह गया, वो भी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो तो इन्फ्लेट करके मेरे को दे रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट इस टाइप का लोग दे सकता है, इस टाइप का मान लो बोलता है कि कूपन कॉन्स्टेंट है, कुछ वैसे टाइप का बना के दे सकते हो, तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ओके अगर और एक अगर मान लो इन केस अगर आ जाए, जैसे मेरे को फीलिंग आ रहा है कि इंडेक्स लिंक से आएगा ही आएगा, ठीक है? इन केस अगर आ जाए तो मेरे हिसाब से डी जो है ना, डी वो जो कितना दिया है, डी वो प्रॉमिस कितना किया था, कितना परसेंट देगा, 2% है ना, तो उसको 2% लेके कर देना, बट आर को चेंज करना पड़ेगा, आर को चेंज करना पड़ेगा, आर नया वाला ही होगा, आर जो होगा ना, आर नया वाला मतलब क्या, इंडेक्स किया हुआ आर, रिडेम्पशन इंडेक्स किया हुआ, बट उसको 2% ही ले लेना, ठीक है? ओके अच्छा आते इस क्वेश्चन में बैक, हाँ आगे पढ़ना, क्या बोला है, हो गया क्या पूरा? हाँ ये तो बोल रहा है, तो हमको पता ही है कि कूपन तो पेमेंट हो ही चुका है, ठीक है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप बताना प्लीज, तुम लोग फीडबैक दो तभी तुमको समझाएगा ना। MCF, ओके तो MCF में कैसे करेंगे बताना, स्ट्रेस लेके मत पढ़िए प्लीज, हम पहले बोल दे रहे हैं, स्ट्रेस लेके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, आराम आराम से करिए, देखिए बनेगा। MCF जैन फोर बताना, जैन फोर बताना,
पहले तो ये बताओ कि कितना का होगा, 0.8 0.8 इंटू इंटू 113.8 डिवाइड बाय, अच्छा मेगा ही क्यों ले रहे हैं, क्यों मेगा ले रहे हैं, जैन 2004 से 8 महीना पहले, जैन 2004 से 8 महीना पहले मतलब क्या। अच्छा एक काम करते हैं आज, एक काम करते हैं आज, हम ना खाली यहां पर लिख दे रहे कहां कहां का लेना है, ठीक है, तुम लोग मेरे को बता देना, फिर करेंगे नहीं, यहां पर आएगा कौन सा बताना ऊपर में, मे 2003, ओके मे 2003, और नीचे में क्या आएगा, नवंबर 2001, इशू कब हुआ था, जुलाई 2, तो जुलाई से 8 महीना, 8 महीना है ना, 8 महीना पहले मतलब क्या, नवंबर 1, ओके तो ये तो आ गया। फिर से अगेन इस तरीके से जाएंगे, तो लास्ट वाला कब आएगा बताना, जुलाई 9, तो जुलाई 9 में क्या होगा बताना, 0.8 इंटू मे, मे 8, हाँ नहीं सॉरी नवंबर 8, नवंबर 8 होगा, नवंबर 8 एंड यहां पर नवंबर 1, अच्छा नवंबर 1 का इंडेक्स कितना है, 110। अच्छा तो अब एक बार मे 3 का इंडेक्स कितना चल रहा है, 113.8 पीछे ऐश्वर्य, हाँ तुम मेरे को ये बताएगा जुलाई 9 का इंडेक्स कितना होगा, जुलाई 9 का इंडेक्स, हाँ सोच के बोलो आराम से बोलो, टूदीपा 5.5 क्यों हो रहा है, जैन 4 काउंट मेरे साथ साथ 5, 6, 7, 8, 9 जैन 9 पे पहुंचे ना, और 6 में ना, तो 5.5, ठीक है ओके। तो ये हो गया, एमसीएफ निकालने में कोई भी दिक्कत है, मार्क्स देख लो एक बार, 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा ओके। आरसीएफ बताना, आरसीएफ बताना बोलो, अब पहले हमको वो बताओ डेट्स, कौन बताएगा इधर ये, हाँ राशि बताओ, डेट्स बताना, डेट्स बताओ, डेस्टिनेशन बाय शोर, डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ लेके जाना है, जुलाई 3, अरे जुलाई 3, अच्छा आप टाइम लैग लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे बिकॉज क्या निकाल रहे हैं, आरसीएफ, आरसीएफ निकाल रहे हैं। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने क्या सिखाया था कि कैलकुलेट कर देंगे ना, वैसे ही रखेंगे, वैसे ही रखेंगे, वैसे ही रखने से क्या फायदा होगा, कट जाएगा, कटेगा और एक कॉन्स्टेंट अमाउंट आएगा, कटेगा और एक कॉन्स्टेंट अमाउंट आएगा, ठीक है ओके। हाँ बताओ डेट्स बताओ, अच्छा जुलाई 3 पे तो ला रहे, लेकिन कहाँ से ला रहे हैं, बोल गोविंद कुछ तो बोल, तुम गोविंद बोल बेटा, जुलाई 3 पे ला रहे लेकिन कहाँ से ला रहे हैं, जुलाई 3 पे ला रहे हैं, ठीक है भैया जुलाई 3 कहाँ से ला रहे हैं, जैन 4, जैन 4 पहला पेमेंट कब हुआ था, आरसीएफ जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कहाँ से कहाँ लेके आते हैं, डेट ऑफ पेमेंट से लेकर के डेट ऑफ परचेज, एंड जब एमसीएफ करते हैं तो डीम्ड इश्यू डेट से डीम्ड पेमेंट डेट, डीम्ड पेमेंट डेट क्या होता है, इस केस में डीम्ड पेमेंट डेट क्या है, पेमेंट डेट के 8 महीना पहले, एंड इश्यू डेट के 8 महीना पहले क्या है, डीम्ड इश्यू डेट, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरा एक ओवरऑल मेरे को पिक्चर मिलता है। अच्छा अभी इंटो लास्ट वाला बोल रहे हैं, अच्छा इसका इंडेक्स क्या बताना एक बार, जुलाई 3 का कौन बताएगा, अभी जस्ट डिस्कस किए थे, जुलाई 3 का इंडेक्स 113.8 इंटू 1.025 टू दी पावर 2/12। अच्छा जैन 4 का, जैन 4 का सेम चीज इंटू एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा बताना, कितना का गैप है, कितना का गैप है बोलो प्लीज, मुझसे बोलो तुम लोग, 6 मंथ्स का गैप है ना, तो क्या हो जाएगा टू दी पावर 8/12। अच्छा सुनो इस केस में न्यूमरेटर फिक्स ना डिनोमिनेटर फिक्स, न्यूमरेटर फिक्स, अच्छा डिनोमिनेटर कितना से बढ़ रहा है, 6-6 महीने से बढ़ रहा है, उधर में एमसीएफ में क्या चीज बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है कितना से, 6-6 महीने से, ठीक है फील आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं, यहां पर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है 6-6 से एंड वहां पर न्यूमरेटर बढ़ रहा है 6-6 से, तो ये बढ़ा और ये बढ़ा सब कट रहा है, बाकी बैलेंस क्या बच रहा है, पहला वाला में जो आएगा वही दूसरा तीसरा एंड 12वां में सब में सेम ही आएगा वो चीज, ठीक है।
एंड व्हेन डूइंग कैपिटल पेमेंट, एक चीज को रिप्लेस कर देंगे बस एक चीज से, तो आंसर आ जाएगा, बताओ क्या? श्रेयांशी कोई नहीं बोल, चुप, तुम बताओगे श्रेयांशी। ये सारा कूपन्स का हो गया, आई होप सो इट इज क्लियर, कूपन्स का सारा हो गया। कैपिटल पेमेंट का जब करेंगे ना, तो कैपिटल पेमेंट में एक चीज को एक चीज से रिप्लेस कर देंगे, बताओ, ट्राई करो। कैपिटल पेमेंट मिल कब रहा है? जब तक तुम लोग आगे नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं होगा। मिल कब रहा है? जुलाई 9। तो जुलाई 9 वाला में सर कुछ बोल रहे हैं? जुलाई 9 वाला में किसको हटा के क्या लगा देंगे? 0.8 को हटा के क्या लगा देंगे? 100। इससे इजी वे में हम नहीं समझा पाएंगे इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड। 0.8 को हटा के क्या लगा देंगे? 100। 0.8 को हटाए, 100 लगाए, तो अल्टीमेटली वही तो हो गया। 100 का प्रॉमिस किया था तो पहले उसको टाना एमसीएफ और फिर उसका आरसीएफ, ठीक है? तो सर अगर हम लोग देखें तो यहां ही पर हो जाएगा कैपिटल पेमेंट में 100 इंटू ये वाला सेम चीज एंड इंटू ये वाला सेम चीज, ठीक है? एक बार इसको बनाओ पूरा, इसको पूरा बनाओ, ऐसे लेथार्जिक होने से नहीं चलेगा। इस वाले को पूरा बनाना है एंड कूपन कितने का आ रहा है एंड कैपिटल पेमेंट कितने का आ रहा है, सब लोग निकालो, मैं सबके पास आके चेक करूंगा। हाँ, 113.8 इंटू 1.025 टू द पावर 8/12। वैसे तुम देखना पूरा पूरा जब बनाएगा ना तो एक कॉन्स्टेंट बनेगा। मैं बोल रहा हूँ पहला दो कर लेना एंड लास्ट वाला कर लेना, टू बी श्योर। पहला दो कर लेना एंड लास्ट वाला कर लेना, टू बी श्योर कि हाँ भैया वही अमाउंट आ रहा है। क्योंकि बोलो तो लास्ट वाला क्यों करेगा? जब लास्ट वाला करेगा तो कैपिटल वाला भी हो जाएगा। लास्ट वाला का जो फिगर नहीं आएगा क्या, 0.8 इंटू समथिंग, तो जो इंटू समथिंग है वही तो कट कॉपी पेस्ट होगा ना, कहाँ पर? कैपिटल वाला में 100 के साथ में, ठीक है? तो पहला दो कर लो एंड लास्ट वाला कर लो। करो क्या चीज, क्यों नहीं समझ, कहां पर डाउट है बोलो? नहीं क्या प्रॉब्लम है बोलो, हम बताएंगे।
बोलना तो एक बार क्या आ रहा है, एक बार बोलना तो क्या आ रहा है, 0.8 × 0.8 बोल, 113.8 बाय 110 इंटू 1 बाय 1.025 टू दी पावर 0.5। सबका यही आ रहा है क्या? 12 महीना है, आई मीन 12 आधा महीना है, 12 आधा साल है, तो 812 एट द रेट व्हाट, प्लीज बोलो, 3 नहीं होगा, 1.5%, 3 पर एनम कन्वर्टिबल हाफ ही ले दिया है ना। अच्छा एक बात बताइए, डाइवर्ट कर रहे हैं, व्हाट इज आई टू, व्हाट इज आई टू, 3%। अब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली मतलब क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल इफ इट्स 3% ओनली, अब बोलो इसका मतलब क्या है, हर आधा साल में इफेक्टिवली हाथ में कितना मिलेगा, 1.5, एनुअली अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, 3, बट एनुअली एक्यूरेटली कितना मिलेगा, 3 से कम, 3 ना 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा कितना मिलेगा, कोई बता सकता है फटाफट, 1.015 का स्क्वायर माइनस 1, बोलो हाँ, 1.015 का स्क्वायर माइनस 1, हाँ सर ऐसे ही पढ़ाई, ठीक ठीक लग रहा है, बेसिक्स है ना, ठीक है। तो ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता था, कोई किसी को याद है, इंटरेस्ट रेट कन्वर्जन का जनरल, मोस्ट जनरल, मोस्ट जनरल फॉर्मूला क्या बनता था, 1 + IP/P इज इक्वल टू 1/1 − DP/P होल टू दी पावर पी, दिस द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, याद आ रहा है क्या? अच्छा इसमें किसको किससे इक्वेट कर रहे हैं, इसमें किसको किससे इक्वेट कर रहे हैं, प्लीज बोलो, अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर वेर कंपाउंडिंग इज बींग डन पी टाइम्स इन ईयर, अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर वेर कंपाउंडिंग इज बींग डन फॉर पी टाइम्स इन ईयर, विच इज वॉट, 1 + IP/P होल टू दी पावर पी, ये क्या चीज है, 1 + I तो है, अगर कंपाउंडिंग पी टाइम्स होगा, फॉर एग्जाम्पल 4 times, मतलब क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो क्या फॉर्मुला बनेगा, ए तुम माथा में हाथ क्यों दे रहे, तुम बोल, हाँ 1 + I4/4 नहीं तेरे पीछे लास्ट, हाँ मोटिवेट, हाँ 1 + I4/4 होल टू दी पावर 4, वट इज 1 + I4/4, वट इज 1 + I4/4, क्वार्टरली इफेक्टिव रेट तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्वार्टरली इफेक्टिव रेट होगा I4/4, वट इज 1 + I4/4, एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर, तो एक साल में कितना होता है 4, इसलिए क्या कर रहे हैं 1 + I4/4 का पावर में 4, अब ये क्या हो गया, एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर, अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 1/, अरे बोलो 1/ डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 − DP/P होल टू दी पावर P, नाउ 1 − DP/P होल टू दी पावर P इज इक्वल टू व्हाट, 1 − G होता है ना, व्हाट इज 1 − G, वी 1 − G होता क्या है, एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर जिसका नोटेशन कैसे कहते, वी, ठीक है। तो ओके, तो बा थोड़ा मूड लाइट करने के लिए ये हुआ, उठो उठो उठो, कोई सोना होना नहीं है, सोना है तो बाहर चले जाओ, प्लस प्लस बोलो, देख के समझ में आ रहा सर, 100 × ये वाला पोर्शन लिखने का हिम्मत नहीं है, कट कॉपी पेस्ट, V/12 @ इससे क्या आएगा प्राइस, कॉपी कर लो उसको, ये कॉपी हो गया क्या, एक दो छोटे छोटे सम्स है तो उसका हम ऑर्डर बता दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकता है वो बता रहे, ठीक है। तो इस सम में मार्क करना होमवर्क, इसके बाद में होमवर्क मार्क करना है, पर डिस्कस करें, ट्वेंटी अब देखो कितना कंफर्टेबल लगेगा, 10 मिनट में लाइन से देखना 5 क्वेश्चन कैसे करेंगे 10 मिनट में, ये लो कॉपी कर लिया सब लोग, पहले ये बोलो रेडी है कि नहीं रेडी है, 1 मिनट का टाइम दे, रेडी कौन कौन रेडी, याद रहो, गुड ठीक है भाई, सही बात है।
गजब। अभी देखो इसको मिटा दे रहे सर, इसका काम नहीं, छोड़ दीजिए। अभी इधर देखो, आओ होमवर्क मार्क करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है 20 में। अभी बताएं जो जो लाइनिंग बोले ना, खाली वही लाइन पढ़ना। फर्स्ट पैरा जो दिया है ना उसका लास्ट लाइन, द रेट ऑफ डिविडेंड, द रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर इज गिवन इन द टेबल बिलो, एंड उसके ऊपर वाला लाइन शी रिसीव्ड डिविडेंड्स। रिसीव डिविडेंड्स बोल का मतलब क्या है? एमसीएफ। रिसीव डिविडेंड्स ऑनलाइन करो, वहां पर लिख दो एमसीएफ, जो लोग का लिखा हुआ है ठीक है। रिसीव डिविडेंड्स का मतलब लिख देना एमसीएफ। सर झमेला ही खत्म है, झमेला ही खत्म है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या हो रहा है, जिस दिन खरीदी है उसी दिन मतलब इशू भी हुआ है, तो मेरा बताओ बेस इंडेक्स क्या चल रहा है, फिर परचेज डेट का इंडेक्स क्या बताना, परचेज डेट का इंडेक्स। आयुष बताओ परचेज डेट का इंडेक्स कितना है, परचेज डेट का इंडेक्स कितना है बताओ, जोर से बोलो। अच्छा पहला पेमेंट का इंडेक्स कितना है, पहला डेट ऑफ पेमेंट का इंडेक्स कितना है, 153.4। तुम हमको बताएगा कि दूसरा वाला आरसीएफ कितना का होगा, दूसरा वाला आरसीएफ बताओ, दूसरा वाला आरसीएफ फटाफट बोलो, दूसरा वाला आरसीएफ कुशल बोल, 4.6 इंटू डेस्टिनेशन में सोर्स। व्हाट इज द डेस्टिनेशन, डेट ऑफ परचेज, तो डेट ऑफ परचेज कितना दिया है 147.7। व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट, 147.7 उससे कहां से 158.6। ये सारा निकाल लेंगे। एंड कूपन्स एंड कैपिटल पेमेंट्स बोला ना, खाली कूपन बोला है क्या कुछ, हाँ तो मान के चलेंगे दोनों ही है। अच्छा फिर से सी सोल्ड हर शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 93। ये क्या दिया हुआ है, आरसीएफ की एमसीएफ, एमसीएफ। अरे 93 में बेस दी तो हाथ में कितना मिला होगा, 93 निकालना क्या है आरसीएफ, तो आरसीएफ कैसे निकालेगा, अगेन 147.7 डिवाइड बाय, ओके ठीक है, टिक मार्क लगा दो, होमवर्क फॉर 23 का मंचित क्वेश्चन पढ़ते आओ, ठीक है। कैलकुलेट द इन्वेस्टर्स कैश फ्लोस, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हैं इसका लॉजिक देंगे। कैलकुलेट द इन्वेस्टर्स कैश फ्लोस फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट एंड स्टेट द मंथ व्हेन ईच कैश फ्लोस ऑकर, इन्वेस्टर्स कैश फ्लोस निकालना है। कैलकुलेट द एनुअल इफेक्टिव मनी यील्ड ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टर टू द नियरेस्ट 0.1%। इन्वेस्टर्स कैश फ्लोस को देख के हल्का सा मन में दिक्कत हो सकता है कि भैया इन्वेस्टर का तो कैश फ्लो आरसीएफ होता है, लेकिन इन्वेस्टर कैश फ्लो का मतलब क्या, हाथ में कितना मिला वो बताइए, हाथ में कितना मिला इन्वेस्टर को वो लिखो, वहां पर अंडरलाइन करके लिखो। इसका मतलब है इन्वेस्टर को हाथ में कितना मिला, इसका मतलब है इन्वेस्टर को हाथ में कितना मिला। एक और बात इसी में, एक और बात, इन्फ्लेशन इंडेक्स देखो तो कितना है, विद अ लैग ऑफ 6 मंथ्स मिला सबको, फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन, फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन, लैग ऑफ 6 मंथ्स। अच्छा सुना, इसमें इशू कब हुआ था पढ़ो तो, जनवरी 2008, ठीक है 2 साल का है, तो लास्ट वाला जो पेमेंट है वो कब होगा, दीदी देख के बताओ लास्ट वाला पेमेंट कब होगा, अगर जनवरी 2008 में है 2 साल का है, अरियर में हो रहा है क्या, देख के बताओ फटाफट, हाफ ईयरली अरियर है, तो लास्ट वाला पेमेंट कब होगा देख के बताओ, तो लास्ट वाला पेमेंट कब होगा, जैन 2008 9 हाँ 8 9 हाँ ठीक है, जैन 2010। इंडेक्स दिया है क्या उसका, दरकार ही नहीं है, ठीक है तो यहीं फंस जाएगा, यहीं पर 10 मिनट वेस्ट, यहीं पर 10 मिनट वेस्ट, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के देखो ना पहले क्या निकालने बोला है, क्योंकि हमको तो 6 महीना पहले का ही चाहिए था, ठीक है तो ओके 23 होमवर्क। थर्टी सिक्स होमवर्क। फोर्टी सिक्स अभी एक बार देख लेते, छोटा है ना तो कॉन्सेप्ट सेम है, तो बस को देख लेते। 46। अच्छा आई होप सो तुम लोग को
टाना टूनी में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो एबर था ना 36 है, देखो तो 36 का फर्स्ट पार्ट, 36 का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड स्ट्रीम डिस्क्राइब्ड अबव एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम इफेक्टिव. तो बोल रहा है कि इतना इतना डिविडेंड देंगे एंड उसका इंक्रीज दे दिया है 3%, 5%, फिर कॉन्स्टेंट 6%, तो इनफाइनाइट तक जाएगा. पहला 2-3 साल का अलग से करना है, करना है क्या? 36 से पार्टन करा दे क्या? हाँ पक्का हो जाए, सच्ची बोलो, कोई टाइम है? मैं बस बहुत टाइम है, नेक्स्ट वीक करा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आज ही करना है. हम बस देखना चाहते हैं कि आज कितना चीज होता है, टाइम का कितना वैल्यू है. ठीक है, ओके. 46 देखो, 46 में पढ़ लो, तुम लोग पढ़ के बस खाली इतना बताओ कि हो जाएगा कि नहीं होगा. और अभी इसका खाली कैश फ्लो से लिख लेना कॉपी में, हम चेक कर लेंगे. 46 एक कमेंट तो समझा दिया था स्टार्टिंग में, यूके का इंडेक्स मिल रहा है, बता दे रहा. हाँ बता. नींद आ रहा, देखो सो जा कर जाके, क्यों घर में होता तो तब तक 2 बार सो चुका होता पक्का है 200 मना है भाई, चल हो गया आज का. किसी को कॉपी दिखाना तो दिखा सकता है एक बार. फोर्टी सिक्स में ऑन 25th October 2008 अ सर्टेन गवर्नमेंट इशूड अ 5-year इंडेक्स लिंक स्टॉक. द स्टॉक हैड अ नॉमिनल कूपन रेट ऑफ 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इन अरियर एंड अ नॉमिनल रिडेम्पशन प्राइस ऑफ 100%. नॉर्मल दिया है तो इशू डेट कब है? इशू डेट कब है? पढ़ के इतना तो समझ में आया होगा कि इशू डेट का इंडेक्स दिया हुआ है. परचेज डेट कब है? मैंने 7 नंबर दे रहा खाली 2 कैश फ्लो का, मैंने समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया, रात का 12 बजे उसको नींद आ रहा होगा तो सोचा होगा चलो ये दे दे. 2 कैश फ्लो का 7 नंबर. परचेज डेट का इंडेक्स कितना है? परचेज डेट का इंडेक्स कितना है? 169.4. एंड इन्वेस्टर वाज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, झमेला ही नहीं है. बॉट 10,000 नॉमिनल ऑफ द स्टॉक ऑन 26th October 2012. द इन्वेस्टर हेल्ड द स्टॉक अंटिल रिडेम्पशन. ओके, खाली 2013 का 2 है. पहले क्या बोला है? कूपन पेमेंट द इन्वेस्टर रिसीव्ड परचेज प्राइस, रियल यील्ड दे दिया 3.5%. बहुत सिंपल है, रियल यील्ड तक नहीं जा रहे हैं, खाली आरसीएफ और एमसीएफ निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एमसीएफ का बात करो, कितना का कूपन रेट है बताना?
3% पर आना बेबल हाफ इली नारियर, तो कितना हो जाएगा? हाँ 1.5 into, अच्छा लैग है क्या इसमें? क्या बोल रहे हैं? ओ लैग ही नहीं है क्या इसमें? जा बाबा. अच्छा तब तो क्यों किए इसको, लैग नहीं है तो फिर क्या ही तो हो जाएगा फिर तो. 171 एक्चुअल रेट ऑफ 171.4 बाय 149.2 इनटू 10,000 को मारो गोली. 10,000 तो लास्ट में कर देंगे, पहले एक के लिए कर लेना फिर बाद में उसके लिए कर लेना. और वैसे एक और बात, जो भी 10,000 बोला है वो गलत बोला है, क्योंकि 10,000 नॉमिनल है, मतलब 100 यूनिट्स ऑफ 100 ईच बोल रहा है. इसका मतलब हम जिस मेथड से कर रहे हैं ना, लेट वन यूनिट का प्राइस भी 100, तो 10,000 नॉमिनल, तो एक का 100 दाम है, तो कितना यूनिट्स बाय किया होगा? 100. अगर आप वन नॉमिनल लेते हो तो यहां पर 1.5 नहीं आएगा, कितना आएगा? 0.015, ठीक है. अच्छा इंटू क्या होगा कुशल बता, इंटू क्या होगा कुशल बता? हाँ गुड, 169.4 बाय 171.4. चीज समझ में आया? अगर लैग नहीं है तो कर ही क्यों रहे हैं? अगर लैग नहीं, देखो ये और ये तो कट गया, ठीक है ओके. मैंने इसे काटना नहीं है, आप लोगों को पहले इसका नंबर है भाई, ये कैलकुलेट करेगा इसका नंबर है, फिर ये कैलकुलेट करेगा अलग अलग. काटकुटी मत कर देना, वो भी काटकुटी करके मार्क्स देगा नेट में दो. हाँ ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? हाँ बेबी इज दिस ओके? हाँ बोलो. फिर तुम वही बात बोल रहे हैं, तो डिवाइड बाय 100 इनटू 10,000 की बात तो एक ही हो गया. तुम समझा नहीं? हाँ एक ही बात है, सुनो 10,000 नॉमिनल है ना. जो लोग का भी मन है कि हम लोग पूरा 10,000 लेके करेंगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं है. कंफर्ट क्या रहता है? 100 में करना एंड इसको डिवाइड कर देना 100 से, तो कितना आ जाएगा? 100 यूनिट्स आ गया ना. अगर 1 लाख नॉमिनल बोलते तो कितना यूनिट्स बाई किया बताना? 1,000 बाई किया ना. इसी तरीके से दूसरा वाला भी हो जाएगा कैश फ्लो, ठीक है. अच्छा ये ला कॉपी करना तो कोई कॉपी कर लो. नहीं 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 फर्स्ट प्रॉपर नहीं करेंगे, हेडिंग लगाना सम इश्यूज विथ आईएलबी, सम इश्यूज विथ आईएलबी, सम इश्यूज विथ आईएलबी. फर्स्ट बुलेट लिखना, दो वी आर कवर्ड फॉर इन्फ्लेशन, दो वी आर कवर्ड फॉर इन्फ्लेशन, स्टिल दो वी आर कवर्ड फॉर इन्फ्लेशन. अरे आई एल बी है ना, तो किस चीज का कवर दे रहा है? इन्फ्लेशन का. दो वी आर कवर्ड फॉर इन्फ्लेशन स्टिल, वी कैन, एक मिनट, गेट स्टिल वी कैन गेट रियल रिटर्न. ऐसे एरो बना देना, मोर मतलब अप एरो, मोर डाउन मतलब लेस, और इक्वल टू एज एक्सपेक्टेड. ऐसा लाइक अप डाउन इक्वल टू रियल रिटर्न, मोर लेस इक्वल टू, माने किससे इक्वल कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड से. मैं समझा रहे हैं, पहले भाई इश्यू लिख लो. एक्सपेक्टेड. अब सुनना क्या हो रहा है, टाइमलाइन देखो. मान लो ये तुम्हारा इश्यू डेट है एंड ये तुम्हारा पेमेंट डेट है, ठीक है. अभी इश्यू डेट और पेमेंट डेट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से यहां पीछे जा रहे हैं ये वाला पार्ट, एंड यहां से यहां पीछे जा रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक है. तो हो क्या रहा है, एक्चुअल में मेरे को कहां से कहां तक का मिलना चाहिए था, रेड में देखना,
मेरे को यहां से यहां तक का मिलना चाहिए था, ठीक है, बट मिल कहां से कहां तक कर रहा है, यहां से यहां तक का। इसका मतलब क्या है, मेरे को इतना टाइम पीरियड का नहीं मिलना चाहिए था, मेरे को तो इश्यू डेट से मिलना चाहिए था ना, इतना टाइम पीरियड का नहीं मिलना चाहिए था और इतना टाइम पीरियड का मिलना चाहिए था, ठीक है। तो मेरे को एकदम लॉजिकली बात कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी किया, जो लोग को इंडेक्स नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को इतना टाइम पीरियड का नहीं मिलना चाहिए था और इतना टाइम पीरियड का मिलना चाहिए था। अब हो क्या सकता है ना इसमें, अब मान लो, और अगर टोन बैठाए तो आई एम सफरिंग दिस पार्ट, ये वाला पार्ट को मैं सफर कर रहा हूं एंड ये वाला पार्ट मेरे को मिल रहा है, ठीक है। मान लो आई एम सफरिंग 1.5%, आई एम सफरिंग 1.5% बट आई एम गेटिंग 1%। हो सकता है ना ऐसा कि जिस टाइम का मिल रहा है उस समय इन्फ्लेशन हल्का कम हो, बट जिस टाइम को मैं सफर कर रहा हूं एक्चुअल में उस टाइम इन्फ्लेशन हल्का ज्यादा हो। तो इस केस में क्या होगा, रियल रिटर्न गिरेगा बढ़ेगा ना, सेम रहेगा, गिरेगा गिरेगा ना। एक्चुअल में इंडेक्स लिंक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सर हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको रियल टर्म्स में देंगे इतना इतना सो, वो जो एक्सपेक्टेड का बात कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न, बट एक्चुअल में हो सकता है कि उससे कम भी हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल टू भी रह सकता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो और एक केस ले रहे हैं, मान लो सफर कर रहे हैं 0.5% लेकिन मिल रहा 1%, तो बढ़िया चीज है ना, मेरे को मिला 1% का, मान लो 2 रुपए इन्फ्लेशन का मिला लेकिन लगा खाली एक ही, वो मेरे को क्या किया 110 के बदले 112 दिया लेकिन मेरा लगा 111 ही, ठीक है। तो ये भी केस पॉसिबल है। तो इस केस में क्या बढ़िया है, रियल रिटर्न विल राइज देन एक्सपेक्टेड। और तीसरा केस क्या है, मिला भी एक दिए भी एक, ठीक है, ये मैं इसका डायग्राम बना लें तो हिंदी में ऐसे करके लिख लो, इश्यू डेट और पेमेंट डेट है, परचेज डेट नहीं है, इश्यू डेट एंड पेमेंट डेट, ये वाला वो टाइम पीरियड जिसमें नहीं मिलना चाहिए था एंड ये वाला वो टाइम पीरियड जिसमें मिलना चाहिए था, तो यहां पर 1% ही लिखना, लेफ्ट वाले साइड में 1 ही लिखना एंड यहां पर क्या करना, 3 केसेस बना देना, केस 1.5, 1.5, तो 1.5 वाला क्या बताया था, 1.5 वाले में क्या बताया था, लेस, बिकॉज वी आर सफरिंग मोर, सफरिंग मतलब क्या, मैं सह रहा हूं ना उस पार्ट को, 1 वाले में क्या बताया था, इक्वल टू, एंड 0.5 वाले में क्या बताया था, लॉजिक एक बार हिंदी में भी लिख लेंगे, ठीक है, तो ताकि जब रिवाइज करेंगे तो एकदम कंफर्ट जाए, लॉजिक को एक बार हिंदी में भी लिख लेंगे, क्या लॉजिक है मंचित बता दो, अगर हम लोग इसका बात करें तो स्टार वाले पार्ट का, लाइक मान ले ये स्टार है तो उसका क्या लॉजिक होगा, हाँ, मेरे को मिला कितना 1 के हिसाब का लेकिन लग कितना गया 1.5 के हिसाब का, लिखो लिखो हिंदी में लिखवा रहे, लिखो 1.5 सहे हैं बट 1 ही मिला है, पिच कर लो, पिच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर यहीं से आता है, फिर भी डेढ़ सही है, डेढ़ मतलब 1.5 पीपल फ्रॉम कॉन्वेंट, 1 मिला है, ओके, दिस वॉज इशू 1। दूसरा इशू टू getting inflation of UK / US, getting inflation of UK / US index, but
बट रेसाइडिंग इन इंडिया ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट बना दिया मेरे को. कैसे बना दिया? जब बॉन्ड इशू किया था ना, बोला आपको इन्फ्लेशन का इंडेक्स देंगे देंगे सर, बस के लिए साइन कर दीजिए, एक बार साइन करके देखिए, बहुत मजा आएगा. तो हम साइन कर दिए. जब घर में आके फॉर्म भरे तो पता चला आपको यूके का इंडेक्स के हिसाब से मिलेगा. तो हम क्या यूके में रहते हैं? यूके में मेरे को मतलब फिर से सहे कितना, मान लो इंडिया का इन्फ्लेशन चल रहा है 6% और यूके में चल रहा है 2%, तो सहे कितना? 6, मिला कितना? 2. ठीक है, तो मिले तब टोन बैठ गया. लिखो लिखो, रिसाइडिंग इन इंडिया था ना, एक बार इंडिया के बगल में लिख देना इन्फ्लेशन 6%, इन्फ्लेशन 6% एंड यूके यूएस के बगल में लिख देना 2%, यूके ऑब्लिक यूएस के बगल में लिख देना 2%. फिर से वही लैंग्वेज, टोन सही सेम है. लिखो लिखो, क्या लिखना है? लिखो, क्या लिखेगा? सही 6 है, मिला 2 है. ये था, पता भी नहीं चला तुम लोग को. 48 में ना लास्ट में दो पार्ट है. आई गेस सबका आस्क 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 होगा, बट कोई आस्क किया नहीं. वो एग्जाम के बाद ही आस्क होता. ठीक है, तो 48 का पार्ट 4 के पहले एक पैराग्राफ है, पढ़ो. व्हेन द इन्वेस्टर परचेज द सिक्योरिटी, मिला सबको 48, ही एक्सपेक्टेड द रिटेल प्राइस इंडेक्स टू राइज मच मोर स्लोली. क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना. जब वो खरीदा, इसका मतलब क्या है? जब वो खरीदा, ही एक्सपेक्टेड द रिटेल प्राइस इंडेक्स टू राइज मच मोर स्लोली देन इट डिड इन प्रैक्टिस. इसका मतलब क्या है? सोचा क्या था, हुआ क्या? बताओ, एग्जाम्पल लेके बताओ. सोचा क्या था? 1, हुआ कितना? 1.5. ठीक है, तो अब देखो, एक्सप्लेन वेदर द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड नेट रियल रेट ऑफ रिटर्न एट परचेज वुड हैव बीन ग्रेटर देन 1.5% पर एनम इफेक्टिव. तीनों के सम लिखवा दिए. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताना? सहा कितना है? 1.5, मिला कितना है? ठीक है, तो क्या आंसर क्या होगा? 1.5 से कम ना ज्यादा? कम. टाइम लैग, मेन तो टाइम लैग वाला ही है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. जो इशू बन था ना, लिख दो ओनली वैलिड इफ देयर इज टाइम लैग. ओनली वैलिड इफ देयर इज टाइम लैग. अगर टाइम लैग नहीं होगा तो सही बात है. 4 बोला था, 4 दिया है. इश्यू 1 में लिख देना ओनली वैलिड इफ देयर इज अ टाइम लैग. बहुत अंदर आ गया मैं, घूम मत जाना, उठा नहीं पाऊंगा फिर मैं ऊपर. गहराई मतलब गहराई. नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5 देखो. इन सेप्टेंबर, वहां पर ऊपर में लिख दो गवर्नमेंट बना दिया. इन सेप्टेंबर द गवर्नमेंट इंडिकेटेड दैट इट माइट चेंज द प्राइस इंडेक्स. प्लीज डोंट बी रेस्टलेस. नहीं नहीं गलत बात एकदम. आइए क्वेश्चन में आइए. दैट इट माइट चेंज द प्राइस इंडेक्स टू विच पेमेंट्स वेर लिंक्ड टू वन विच टेंड्स टू राइज मोर स्लोली देन द रिटेल प्राइस इंडेक्स. कौन सा इशू है? इशू 1 या इशू 2? 2, 1 तो पहले था. क्या बोलना चाहते इसका मतलब? दैट इट माइट चेंज द प्राइस इंडेक्स टू विच पेमेंट्स वेर लिंक्ड. बोलता है इंडेक्स आज जिससे लिंक्ड है उसको क्या करेंगे? इंडिया से उठा के किससे लिंक कर देंगे? यूएस का इंडेक्स से. तो अगर यूएस का इंडेक्स से लिंक कर देगा तो सह कितना रहे? 6. मिल कितना रहे? 2. ठीक है, तो लिख देना गवर्नमेंट बना दिया. ठीक है, स्टॉप कर दो, 2 मिनट का ब्रेक. तो ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड वी हैव डन.